दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र मुखीजा अपने YouTube चैनल पे दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूँ। और दोस्तों इस समय मैं हूँ अलवर अनाज मंडी में, और डेली भाव की तरह जैसे जिस प्रकार मैं डेली आपको दिखाता हूँ अलवर अनाज मंडी के भाव। और चलते हैं दोस्तों एक किसान के पास, और सबसे पहले जो मेरे सामने बाबा बैठे हैं, बाबा पहले तो बाबा ऊपर देखना, नाम क्या है अपना? मेरा नाम दाताराम गुजर है। और गाँव कौन सा है? ठेकड़ी। ये कहाँ पड़ता है? ये साहब लक्ष्मणगढ़ से आगे 7 किलोमीटर। अच्छा, अलवर से कितनी दूरी पे पड़ गया? अलवर से साहब ये 45 किलोमीटर। अच्छा, तो आप क्या लाए अनाज मंडी में? मैं सरसों लाया हूँ साहब। कितनी बोरी लाया? बोरी साहब 39 बोरी और 90 किलो बैठी है साहब। अच्छा, 39 बोरी और 90 किलो। क्या भाव की अपनी? ये साहब 68 बेची है। और लैब कितनी आ रही है? लैब साहब 41.5 की। अच्छा, और वैसे आज रेट क्या बता रहे हैं सरसों का? 42 लैब का सरसों का रेट बताया कुछ आपको? मतलब 6900 करीब बैठ जाएगा। हाँ, 69 1/2 का। हाँ, करीब बैठ। चलो ठीक है बाबा, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। और आपके गांव में सरसों कितनी बैठी है एक बीघा में? एक बीघा में आपकी कितनी बैठी है? मेरे तो साहब 12-13 मण को भी बैठी है। अच्छा, कम बैठ रहा है वहाँ पर। हाँ, कम बैठ। और प्याज का कण वगैरह बोते हो क्या? प्याज ना बो साहब, पानी ना है, मीठा मीठा पानी नहीं है, खारा पानी। खारा पानी साहब। चलो ठीक है, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जानकारी देने के लिए। आप दूसरे किसान के पास, और सबसे पहले तो बाबा से नाम पूछ लेंगे, नाम क्या है अपना? भूरक। गांव कौन सा है? क्या लाओ अनाज मंडी में? सरसों। कितनी बोरी लाया बाबा? आठ नौ बोरी। 8-9 क्विंटल। क्या भाव की अपनी? और लैब का मालूम है क्या कितने आई जा कर रहे? 39। और पिपरौली में क्या बैठ रहा है एक बीघा सरसों? थोड़ा सा आइडिया। आपकी कितनी बैठी है एक बीघा में? 15-16 मण का बीघा बैठ रहा है। और पानी की कैसा है पानी पिपरौली में? पानी दुआ लगाया है, खूब मेहनत करी। नहीं नहीं, वैसे जमीन में पानी कैसा है? पानी तो हल्का ही है, कमी है। मतलब जमीन ज़्यादा नीचाई पे। चलो, और प्याज का कण भी बोया आपने? प्याज कण बोयो ने। हाँ, फिर का मतलब अब हो गया बढ़िया? नहीं, हाँ हो गया बढ़िया, खत्म हो गया, बाड़ कर दिया। खत्म किस वजह से? कोई कारण समझ में आया? गर्मी से, झगर से। झगर से? तो ये जो झगर तो हर साल पड़ती है, इस बार कुछ इतनी गर्मी कहाँ पड़े हर साल? अच्छा, इतनी गर्मी नहीं पड़ती तो इस कारण से। और आपके गांव में ये समस्या है या आपकी खुद की समस्या है? आधा गांव पिपरौली में मतलब आधा बीज खत्म हो चुका है। चलो बाबा, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। कौन सा बीज बोया था वैसे आपने? 3232 रुपये किलो बढ़िया उसका होगा। 3200 तो क्या नाम है, नाम नहीं पता। चलो ठीक है बाबा, जानकारी दे। मतलब बीज आपका जल गया, ख़राब हो गया गर्मी ज़्यादा। और कुछ कल एक किसान ने भी बताया था कि जैसे टाइम पे लाइट भी नहीं आ रही, ज़्यादा लाइट भी नहीं आ रही, लाइट बिल्कुल नहीं आ रही, उस पानी भी नहीं दे पा रहे, इस वजह से भी समस्या आ रही है, और गर्मी तो पड़ी रही है ज़्यादा। ठीक है बाबा, जानकारी देने के लिए धन्यवाद।